नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। बीते दिनों रायगांव विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के बालों में एक चश्मा उलझ गया था, जिसे खनिज मंत्री बृजेंद्र सिंह ने अपने दाहिने हाथ से निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान चश्मा निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसके बाद विपक्ष भाजपा और मंत्री पर जमकर हमला कर रही है। इस सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे। जहां बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी सीएम के बगल में खड़ी थी, वहीं वीडियो वायरल होते ही विपक्ष ने बीजेपी नेता की ऊंची मानसिकता का हवाला दिया है। इस पर अब भोपाल सांसद और भाजपा की कद्दावर नेत्री साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि कांग्रेस इस पर भी गंदी राजनीति कर रही है, जबकि खुद कांग्रेस के नेता महिलाओं के प्रति कितने अनाचारी हैं यह सबको पता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ लोगों को महिलाओं की इज्जत करना नहीं आता। बीजेपी महिला प्रत्याशी के बालों में कीड़ा लगा था, जिसे मंत्री द्वारा निकाला जा रहा था। ऐसे में विपक्ष मंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि मातृशक्ति को बदनाम करने वाले सड़ सड़ कर मरेंगे। इसी दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा के दिवंगत विधायक गोवर्धन दांगी को लेकर भी कुछ बातें कही। दरअसल कांग्रेस के दिवंगत विधायक गोवर्धन दांगी ने साल 2019 में अपने एक बयान में प्रज्ञा ठाकुर को जिंदा जलाने की धमकी दी थी। इस पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि मुझे जिंदा जलाने वाले खुद 2 महीने में भगवान को प्यारे हो गए। बताते चले कि बीते साल कोरोना महामारी के दौरान कोरोना संक्रमण के चलते गोवर्धन दांगी का निधन हो गया था। अब उपचुनाव की तारीख भी नजदीक है और नेताओं के लगातार बयान सामने आते रह रहे हैं। एक दूसरे पर प्रहार जारी है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में पीछे नहीं हट रही हैं। आगे देखना होगा कि और क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।